मैं एसपी त्यागी आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो है आपका धार्मिक आंदोलन था, जिसमें आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म हमें दो पढ़ने थे, ठीक है। सबसे पहले है इस वीडियो में जो हमें कवर करना है इस क्लास में, वो करना है हमको बौद्ध धर्म कवर करना है, और इससे जो अगली जो क्लास होगी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की होगी। उसके बाद में फिर से जो हमारा जो आएगा वो जैन धर्म आएगा पूरा, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो वीडियो होगी। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से कि बार बार प्रश्न आता है और आपके लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ठीक है, यहां से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना गौतम बुद्ध संस्थापक थे। प्रश्न पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी में, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी में क्या हुआ था, 63 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पे। कहां पर हुआ था, कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नामक ग्राम पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी था इसी स्थान पर क्या कहता है, इसी स्थान पर अशोक ने गौतम बुद्ध का क्या बनवाया था, गौतम बुद्ध की स्मृति स्तूप बनवाया था, स्तंभ का निर्माण किया था। गौतम बुद्ध की स्मृति स्तंभ का निर्माण कहाँ किया था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जहां उनका जन्म हुआ था वहीं पर अशोक ने क्या किया था, बुद्ध की स्मृति के स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने, अशोक ने, ठीक है। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। इनके जो पिता का नाम था वो शुद्धोदन था, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था। इनके पिता जो थे वो शुद्धोदन थे, इनकी माता जन्म देने के बाद में गुजर गई थी, तो इनके जो पालन पोषण किया था वो गौतमी, ठीक है, किसने किया था, गौतमी ने किया था, ठीक है। इनकी माता कौन थी, इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। शुद्धोदन इनके पिता थे वो गणराज्य के कौन थे, प्रधान थे। इनके पिता शुद्धोदन थे, गणराज्य था उसके क्या थे, प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। ध्यान रखना जो आपके कौन थे, गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है ना, कौन थे, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो क्या थे, गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का देहांत हो गया था, इनका जो पालन पोषण किया था इनकी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मासी थी, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात नोट करके रखना, प्रजापति गौतमी क्या थी, पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, जो सिद्धार्थ की क्या थी, मौसी थी। सिद्धार्थ की मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी मासी थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जो मन था जो बचपन से क्या था, आध्यात्मिक की ओर था, ठीक है ना, मतलब अध्ययन। तो इनके पिताजी क्या थे, बहुत परेशान थे, इनके पिताजी बहुत परेशान विचलित रहते थे सिद्धार्थ की तरफ से, ठीक है, क्योंकि इनका जो दिमाग था वो अध्ययन था। इसलिए जब वो क्या हुए, 16 वर्ष के हुए तो उनकी शादी करा दी गई थी, ठीक है। इनका विवाह जो हुआ वो यशोधरा नामक लड़की से हुआ, ठीक है, यशोधरा नामक लड़की से क्या हुआ, इनका विवाह हुआ। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। इनका जो विवाह हुआ वो कब हुआ, 16 वर्ष में हुआ था यशोधरा से। इनका विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ था। 28 वर्ष की उम्र में इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। 28 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इनका पुत्र हुआ, उनका नाम राहुल था। लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन में मन अभी भी वही नहीं लगता था, इसलिए ये क्या हुआ, वहां से 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, इन्होंने घर त्याग दिया और 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में क्या हुआ, भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिम्बसार उदयक और आलार कलाम से हुई। इसी दौरान 7 वर्ष भटकते रहे जब इनकी मुलाकात 3 लोगों से हुई, कौन से, बिम्बसार उदयक और आलार कलाम, ठीक है। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो कौन थे आपके, आलार कलाम थे, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे। जब उनकी आयु कितनी हुई, 35 वर्ष, 28 से 7 वर्ष तक वो भटकते रहे, ठीक है। जब वो 35 वर्ष की आयु हुई तो वो कहां पहुंचे, बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे।
ठीक है। और बाद में यही उरुवेला को बोध गया के नाम से जाना जाता है, उरुवेला जगह पे पहुंचे, उरुवेला को ही क्या जाना जाता है बाद में इसको, अब जो जाना जाता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है बोध गया के नाम से किसको जाना जाता है, उरुवेला को जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहीं पर उरुवेला में, यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया था, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई, ठीक है, उरुवेला में। और इनको 49वें दिन क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 49वें दिन इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई किसको, गौतम बुद्ध को। ठीक है, कहां पर, बोध गया में। ठीक है, पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है किसका पेड़ था, पीपल का वृक्ष था जिसको हम किस नाम से जाना गया, फिर ये बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया। ठीक है, बोधि वृक्ष के नाम से कौन सा जाना गया, पीपल का पेड़ जाना गया जिसको क्या किया गया था, जिसके नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए, सिद्धार्थ बुद्ध जब कहलाए, जब उन्होंने क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता था ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, जब ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है ना, गौतम जब ये क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप, इनका अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या किया था, जो पहला जो उपदेश दिया था वो वाराणसी के नजदीक के सारनाथ जगह थी, ठीक है, स्थान था जहां पर 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपनी अपना जो है पहली बार उपदेश दिया। ठीक है ना, इसी चीज को बौद्ध गया, इसी चीज को बौद्ध धर्म में, इन्होंने जो 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था, जो 5 ब्राह्मण थे उनको इन्होंने उपदेश दिया था, इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, किसको, जब उन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी बौद्ध धर्म का जो प्रचार का प्रमुख केंद्र था वो क्या था, आपका मगध था। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो क्या था, आपका मगध था। इसलिए बिंबिसार और उदयन जैसे जो राजा थे जिन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध ने सबसे अधिक जो है अपने उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में सबसे अधिक उपदेश जो है अपने कहाँ दिए थे, तो वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध ने इसके प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, बौद्ध संगतियों का आयोजन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कि जिससे क्या हो सके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, अच्छे से हो सके और लोग इसको इसके बारे में जाने और समझे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बौद्ध संगतियों का क्या किया, बौद्ध संगतियों का, बौद्ध संघ का स्थापना की और बौद्ध संगतियां गठित की और इनको क्या किया, बौद्ध संघ का स्थापना की। बौद्ध संघ में क्या होता था, जो बिच्छू लोग, जो जो आपका कहता है भिक्षु होते थे, वो अपना घर त्याग करके क्या करते थे, वहां रहते थे। ठीक है, और जीवन भर बौद्ध धर्म का पालन करते थे या प्रचार करते थे। जब ये बात हुई, जब बौद्ध सभा की स्थापना की थी इन्होंने, तो बौद्ध सभा जो था, जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, जो अनुयायी थे, वो 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, एक को बोला था भिक्षुक और एक को बोला था उपासक। भिक्षुक वो होते थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। भिक्षुक कौन होते थे, वो लोग होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। उपासक वो होते थे जो ग्रस्त जीवन जीते हुए भी क्या करते थे, धर्म को अपनाते थे और वही क्या कहलाते थे, उपासक। ठीक है ना, तो उपासक क्या होता है, जो बौद्ध धर्म को मतलब ग्रस्त जीवन जीते हुए भी क्या करता है, उसको ग्रहण करता था बौद्ध धर्म को, उसको उपासक कहते थे। और जो त्याग देता था उसके बाद प्रचार प्रसार करता था बौद्ध धर्म को, उनको भिक्षुक कहते थे। ठीक है, समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने के लिए क्या, बौद्ध संगतियों का निर्माण करना पड़ा। तो देखते हैं बौद्ध संगतियां, 4 बौद्ध संगतियां हुई। ठीक है ना, जो आपकी पहली बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी कहां हुई थी, पौली बैतसुंदी राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के में। कहां पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और किसके किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कौन सी पहली बौद्ध संगति। अगर वहीं अगर हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो वो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके काल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। वहीं अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। सबसे इंपोर्टेंट है ये तीसरी और चौथी। तीसरी वाली है जो हुई थी आपकी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक कौन था, अशोक था।
ठीक है, ये पूछा जाता है उस समय शासक कौन था, अशोक था। और जो आपकी चौथी हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और इस समय जो शासक थे वो कौन थे आपके, कनिष्क। ठीक है, उस समय आपके शासक कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, तो ये चारों जो बौद्ध संघ थे पूछी जाते हैं, जिसमें से खासकर तीसरी और चौथी आपकी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये चारों आपकी बौद्ध समितियां हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना जो पहली बौद्ध समिति है वो राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ये जो है वो शासक है, ठीक है, और ये आपका स्थान है, कौन से स्थान पर हुई थी। ठीक है, पहली हुई थी आपके राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई थी वो वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, और जो आपकी तीसरी हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में, चौथी जो हुई वो कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है ना, ये चार बौद्ध समितियां हुई थी जो इसलिए गठित की गई थी जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है अच्छे से किया जा सके और लोगों को जागृत किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध जो थे वो 80 वर्ष के हो गए थे, जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष के हुए 483 ईसा पूर्व में, तब उनका क्या हुआ, निधन हो गया था। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। उनका निधन क्या हो गया था, कुशीनगर में हो गया। उनकी कुशीनगर में निधन हुआ था, उनके निधन को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उनका जो निधन हुआ था इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है ना, जब उनका निधन हो गया था तो इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में क्या हुआ था, जब बौद्ध धर्म का निधन हो गया था तो उनकी जो अस्थियां थी उन्हें अवशेषों को विभाजित कर लिया गया, अस्थियों के अवशेष थे उनको विभाजित कर लिया गया और भारत के 8 भागों में, भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। भारत की जो अस्थियां थी उनको विभाजित कर 8 स्थानों पर क्या किया गया, भारत में स्तूपों का निर्माण कराया गया। और इनमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची में है। ये पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा जो स्तूप है बौद्ध का वो कहाँ पे है, सांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, सांची में स्थित है। ठीक है, अगर हम बहुत बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, त्रिरत्न कौन से थे, एक तो आपका क्या था, एक तो आपका धम्म था, ठीक है, एक आपका बुद्ध था और एक आपका क्या था, संघ था। इन तीनों को क्या कहा जाता था, त्रिरत्न कहा जाता था। ठीक है, तो पूछा जाता है त्रिरत्न कौन थे, त्रिरत्न आपके कौन थे, धम्म था, बुद्ध था और संघ थे, ये तीन रत्न थे। ठीक है, अगर बात करें कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा था, तो सबसे पवित्र त्योहार की अगर हम बात करते हैं तो वो है वैशाली पूर्णिमा। क्या है, वैशाली पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनका क्या, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध पूर्णिमा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैशाली पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, वैशाली पूर्णिमा ये क्या था, इनका प्रमुख त्योहार था। ठीक है ना, प्रमुख त्योहार था बौद्ध धर्मों का। ठीक है, बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वह, अगर हम बात करेंगे बौद्धों का जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था, आपका त्रिपिटक था। कौन सा था, त्रिपिटक। ठीक है ना, बौद्ध धर्मों का जो प्रमुख ग्रंथ था उसका नाम क्या था, त्रिपिटक था। ठीक है, पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनकी जो भाषा हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, बौद्ध धर्म में पाली हुआ करती थी। ठीक है, पहले जितने भी शुरुआत में ग्रंथ लिखे गए उनकी भाषा क्या थी, पाली थी, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, संस्कृत भाषा कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना शुरुआत में जो ग्रंथ थे उनकी भाषा पाली थी, बाद में इसको संस्कृत कर दिया गया। ठीक है ना, बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। बौद्धों का जो विख्यात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, बौद्धों का जो विख्यात विश्वविद्यालय कौन था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा था, अगर पूछा जाए भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा था, तो बाम, ठीक है, कौन सा था, बाम साथ पाक सिनी। ठीक है, कौन सा था, बाम साथ पाक सिनी। ये क्या था आपका, बौद्ध ग्रंथ था जो भारत में सबसे अंत में क्या था, ये उत्पन्न था। ठीक है ना,
अगर हम बात करें कि धातु के सिक्के जो चलाए गए, सबसे पहले धातु के सिक्के जो देखने के लिए मिले थे वो किसमें मिले थे? बौद्ध धर्म था जब भी मिले थे, धातु के सिक्के भी जब भी चलन में आए थे। धातु के सिक्के कब चलन में आए थे? बौद्ध धर्म का था, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपका जो है पूरा बौद्ध धर्म जो हमने क्लियर किया, समझा के पूरा खत्म हुआ, ठीक है। खासकर ये जो आपके है ज्ञानी बौद्ध संघ के था, ये ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का जो सबसे जो बड़ा है, जो स्तूप था वो सांची था, ठीक है ना। सबसे अंतिम जो आपका था वो बाम सात पाक्षिणी था, ठीक है। अगर पूछे जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किसने स्थापित, धर्मपाल ने किया था। शुरुआत में जो बौद्ध धर्म में ग्रंथ लिखे जाते थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में किसमें लिखे जाने लगे? संस्कृत में लिखे जाने लगे, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।